बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो सऊदी अरब में कोरोना वैक्सीन आ जाने से सफरी पाबंदियां ख़त्म हो जाएंगी इसके मुतल्लिक है। ये न्यूज़ ख़ासकर उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो अभी तक कोरोना पाबंदियों की वजह से अपने मुल्क में फंसे हुए हैं। ख़ासकर इंडियन भाई इस वीडियो में मुकम्मल तफसील से बात करेंगे। इससे पहले अगर आपने बस्मा न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। नीज़ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पर शेयर करना मत भूलिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से भी एक अच्छी न्यूज़ है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के जो असिस्टेंट हैं डॉक्टर अब्दुल्ला असेरी, उन्होंने अल अरेबिया टीवी चैनल पर इंटरव्यू देते हुए बताया कि जब इनसे पूछा गया कि सऊदी अरब में चूँकि कोरोना वैक्सीन आ चुकी है तो क्या अब भी सऊदी अरब में मज़ीद सफरियाँ पाबंदियाँ लगेंगी। जैसा कि आपको मालूम है कि सऊदी अरब ने काफ़ी स्कूल्स पर बैन लगा रखा है। ख़ास तौर पर हम यहाँ इंडिया की बात कर लेते हैं तो जिसमें आप सबको पता है कि ट्रैवल बैन लगा रखा है। ना तो सऊदी अरब से इंडिया फ़्लाइट जा रही हैं और ना ही इंडिया से फ़्लाइट डायरेक्ट आ रही हैं। तो यहाँ पर जब हेल्थ मिनिस्टर के जो असिस्टेंट हैं उन्होंने कन्फर्म किया, जब इनसे पूछा गया कि मज़ीद बैन लगेगा या नहीं, तो उन्होंने कहा है कि अब कोई भी मज़ीद ट्रैवल बैन लगाने की ज़रूरत नहीं है सऊदी अरब को। तो नाज़रीन, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं बयान जिसमें बताया गया है। दूसरी तरफ सऊदी अरब में वैक्सीनेशन के आगाज़ से कोरोना के हवाले से आयद पाबंदियों को उठाए जाने का अमकान पैदा हो गया है। कोरोना वैक्सीन के हवाले से लोगों का कहना है कि अब वो आज़ादी से बैरून मुल्क सफ़र भी करने जा सकेंगे। वेब न्यूज़ सबक के मुताबिक बास ट्रैवल टूर ऑपरेटर्स के अलावा लोगों से इनके ख्यालात मालूम किए। इस बारे में अल मुसाफर टूर के डायरेक्टर अब्दुल्ला रजाक जहरानी का कहना था कि कोरोना वैक्सीन लगाने का आगाज़ होते ही बड़ी तादाद में लोगों ने बैरून मुल्क सफ़र के लिए टूर्स पैकेजेस के बारे में दरियाफ्त करना शुरू कर दिया है। एक और टूर ऑपरेटर का कहना था कि गुज़िश्ता बरस कोरोना की वजह से कोई शख्स सालाना तातीलात गुजारने के लिए कहीं नहीं गया। लोग कोरोना की वजह से कहीं नहीं जा सके थे। अब जैसे ही मुमलिकत में कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज़ हुआ है, लोगों की बड़ी तादाद ने आइंदा बरस के लिए टूर की बुकिंग कराना शुरू कर दी है। अब जबकि कोरोना वैक्सीन आ चुकी है, ऐसे में लोगों की उम्मीद भी जाग गई है। टूर बुकिंग के लिए आने वाले एक शख्स का कहना था कि कोरोना वैक्सीन वो आखिरी कड़ी होगी जिसके बाद सफ़र के हवाले से तमाम पाबंदियां उठाई जाएंगी और हम एक बार फिर से पाबंदियों से कबल की जानिब लौट सकेंगे। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि जैसे ही सऊदी हुकूमत ने पहले ऐलान किया था कि जनवरी में सब हालात नॉर्मल हो जाएंगे, लेकिन इसके बारे में ऐलान रोक दिया गया था, लेकिन हेल्थ मिनिस्ट्री के बयान से लग रहा है कि इंशाल्लाह जनवरी में पाबंदियां ख़त्म कर दी जाएंगी। वैक्सीन की वजह से सऊदी अरब में मामूलात ज़िंदगी दोबारा से बहाल हो जाएगी और बहुत जल्द इंडिया के लिए फ़्लाइट्स भी बहाल कर दी जाएंगी। इंशाल्लाह, आपके कीमती वक्त का शुक्रिया।